हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीना मेहता ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी देखिए मैं जा रही हूँ, आज मैं जा रही हूँ आप लोगों को दिखाने कि रामगढ़ में जो एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है जो एक ही दिन में बन के कम्प्लीट हुआ था, एक ही रात में 1617 में ताई हुए। अभी उसका रास्ता ये है, तुम लोग घर तरफ से इधर जाना है, वो रांची का सीधे है तो इधर कोठार का और मुड़ गए, कोठार से मुड़ के और इधर जाना है। तो ये रहा कोठार चौक, अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। उसके बाद कोठार पहुंचने के बाद हम लोग रामगढ़ की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि ये मंदिर रामगढ़ की ओर कैथा में है। तो आइए, अभी कैथा ये हम लोग जा रहे हैं सीधे रामगढ़ की ओर। तो ध्यान में रखते हुए जाइएगा कि हम लोग रामगढ़ ना चले जाए, तो हम लोग को कैथा ही में रुकना है। ये अब हम लोग पहुंच गए मंदिर, प्राचीन शिव मंदिर कैथा, जो ऐतिहासिक पुराना है, जो इसे हिस्ट्री में भी है और जो झारखंड का किताब है उसमें भी इस मंदिर को दर्शाया गया है कि कौन सा कब बना, कैसे बना, 1617 में बना, एक ही रात में बन के कम्प्लीट हो चुका था। तो ये आज मंगलवार है तो ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, कुछ कुछ ही मेंबर होगा, और मंडे के दिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे लाइन लगना पड़ता है। देखिए बाहर का नज़ारा इस टाइप से है। तो अभी ये अंदर की ओर चलते हैं, तो अब हम लोग चप्पल उप्पल उतारते हैं उसके बाद अंदर चलते हैं। और मुझे मैं पूरा अच्छा तो नहीं दिखा सकती, मतलब अंदर पूरा नीचे ऊँचे जाके उस समय मना है तो मुझे थोड़ा डर लगता है, इसलिए तो आइए अभी चलते हैं। मैं आप लोग को एक बात बताती हूँ, जैसे अब हम लोग एंट्री किए हैं उसके बाद जो यहाँ पे भैया बैठे हुए हैं वो मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे, तो उनका थैंक यू, वो मेरे से मेरा आईडी पूछे, लाइक कमेंट्स कर दिए थे, थैंक यू सो मच भैया। और देखिए इधर रूम है, इधर यहाँ पे हवन होता है और इधर इस टाइप से, उसके बाद देखिए यह कैसा दिखता है क्योंकि बहुत ही पुराना है ना, 1617 में बना हुआ। इधर बेसिन गुसिंग है और इधर पेड़ है, मतलब जहाँ पूजा होता है यहाँ पे हनुमान जी का तुलसी पेड़ है और कुआँ है। इस कुआँ का खास बात बताएं आप लोग को, चाहे ठंडा हो, बरसात हो, कुछ भी हो, पानी इतना ही रहता है। बरसात में शायद ज़्यादा भर जाता है, लेकिन ठंडा या गर्मी पानी इतना ही रहता है, या ज़्यादा अंदर तक ज़्यादा नहीं है। और इधर देखिए एक वो जो आंटी है वो अभी साफ कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग से जो पानी उतरता है वो शायद इधर ही पीछे साइड उतरता है, तो यहाँ पे साफ करते। देखिए ये सब में अंदर जाना है, इस सब के अंदर जाके आपको और एक जगह अंदर जाना है जहाँ ताला बंद रहता है, उसी के अंदर शायद बोला जाता है तालाब है, जो जो गुस्सा वो सब बोलता है। हम तो नहीं गए कभी आज तक, और सच बताए मुझे जाना भी नहीं इसके अंदर। फिर ऐसा पीछे देखिए ये खेत हो तभी हरा भरा विधान नहीं लगा हुआ है, ये हमारा प्यारा रामगढ़ का नज़ारा है। और ये बच्चे लोग यहाँ पर कुछ मूर्ति है तो उसे पूजा करके निकल रहे हैं। अब आज चलिए अब हम लोग आगे की ओर पूजा करने। तो आप लोग ब्लॉग को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मैं दिखाई, मैं उसके अंदर जाकर तो नहीं दिखा सकती क्योंकि मना और मैं अकेले जाऊँगी नहीं, मुझे खुद ही डर लगता है ये सब में। तो अभी मैं चलिए पूजा करने, बाय बाय। अब हम लोग चले ऊपर, देखती हूँ मैं रोटी लाना भूल गई थी, यहाँ चेक करती हूँ। मतलब सब कुछ मिलता था लेकिन आज नहीं है, क्योंकि आज मंगलवार के दिन मैं आई हूँ, मुझे थोड़ा वीडियो बनाना था इसलिए। लड़का लोग हैं, कुछ लेडीज लोग हैं। कलयुग कितना ही प्यारा, गाइस पूजा हम लोग का कंप्लीट। तब हम लोग चले, हम और अंकिता थे, अभी